हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का काकरा पिठा। ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम इसको ज़्यादातर नारियल का टॉपिंग डाल के बनाते हैं। आज हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, तो हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें हम सबसे पहले तिल को डाल रहे हैं और इसको हम थोड़ा हल्का भून लेंगे। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। जैसे तिल को फ्राई किए थे, वैसे ही बादाम को फ्राई करेंगे। जैसे ही बादाम का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हम बादाम को भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, अभी हम बादाम को भी प्लेट में निकाल लिए। अभी हम सबसे पहले तिल को ग्राइंड करेंगे। तो इसमें मिक्सी में हम तिल को डाल रहे हैं और अभी हम तिल को ग्राइंड कर लिए हैं। और तिल को आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, रुक रुक के सिर्फ एक दो बार ही चलाना है। और ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए थोड़ा दरदरा ही रखे। अभी चलते हैं बादाम को ग्राइंड करने के लिए। अभी हम बादाम को ग्राइंड करेंगे जैसे तिल को ग्राइंड किए थे, बादाम को भी वैसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, बादाम को हम ग्राइंड कर लिए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड हो गया, आप थोड़ा हल्का ग्राइंड करें, जैसे कि थोड़ा दरदरा रहे तो अच्छा टेस्ट आता है उसका। हम थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड कर लिए हैं। तो देखिए, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लिए। देखिए, अभी तिल और बादाम को निकाल लिए हैं और अभी हम इसमें गुड़ डालेंगे। देखिए, अभी हम गुड़ को भी निकाल लिए हैं और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे थोड़ा मैश कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, हमारा गुड़ बादाम तिल रेडी हो गया। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, आधा ग्लास के करीब, आप लोग देख सकते हैं पानी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें गुड़ डाल देंगे और गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें तिल और वो जो बादाम है उसको हम डाल देंगे। अभी हम इलायची को थोड़ा कूट लेंगे और इसमें इलायची और लौंग थोड़ा डाल देंगे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, अभी इलायची और लौंग को कूट लिए हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम अभी डाल दिए हैं। अभी हम सबसे पहले बादाम को डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बादाम जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, अभी हम इसके ऊपर तिल डाल देंगे और ये गुड़ बादाम तिल इस तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अभी हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसका थोड़ा हम थिक बैटर रेडी करेंगे। और ये गुड़ तिल और बादाम का टॉपिंग काकरा पिठा में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी घर पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तो खास करके बहुत अच्छा लगता है इसका। और ऐसे नहीं है कि इसका अच्छा लगता है वही, नारियल का भी बहुत अच्छा लगता है, आप उसका भी बना सकते हैं। देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बन के रेडी हो गया। अभी हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और ये थोड़ा टाइम के बाद और हार्ड हो जाएगा। जैसे कि हम उसके अंदर डालेंगे तो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो अभी हम इसको इसमें डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अभी चलते हैं सूजी का बैटर बनाने के लिए। तो हम लिए हैं एक पैकेट सूजी, ये 500 ग्राम का है। और वही कढ़ाई में हम लिए हैं जो नॉर्मल पानी पीते हैं, उसमें 2 ग्लास पानी डाल दिए हैं कढ़ाई में। और अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हम कोई भी मीठा चीज़ बनाते हैं, उसमें थोड़ा नमक डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टीस्पून चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, कम मीठा खाते हैं तो कम डालें। देखिए, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अभी हम इसमें सूजी डाल देंगे। और सूजी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे।
और एक साथ डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ने लगते हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, और अभी जो बाकी का सूजी है हम उसको भी अभी मिक्स कर लेंगे। तो उसको भी हम अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो देखिए अभी हम इसमें डाल दिए हैं सूजी को, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और जितना भी पानी था सब अब्सॉर्ब कर लिया है सूजी। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया, अभी ढक्कन निकाल लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अभी जितना भी सूजी था हम प्लेट में निकाल लिए हैं, और अभी हम हाथ में थोड़ा पानी लेके इसको हम अच्छे से मस लेंगे। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं वैसे ही सूजी को हम गूंथ लेंगे अच्छे से, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए ये, और बनाने में बहुत आसानी होता है ऐसे मसल लेने से। तो हम इसको पानी थोड़ा थोड़ा लेके इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, और ऐसे छोटा छोटा लोई लेके इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेके ऐसे गोल गोल करके, और आप लोग जैसे से बनाते हैं घर पे आप वैसे उसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। हम ऐसे बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इजी है बनाना, इसको हर कोई बना सकते हैं। देखिए कितना जल्दी बन के रेडी हो गया, और अभी हम दूसरा बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए जैसे पराठा बनाते हैं हाथ में ऐसे करके लोई को, उस तरीके से आपको बनाना है और इसको ऐसे कर देना है, ये बहुत इजी है। देखिए ये हम डिज़ाइन के लिए बना रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, और आपको दूसरा कोई डिज़ाइन आता है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे करके हम सब काकरा पीठा को बना लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं बन गया है। और मैं आपको और एक तरीके से बनाना भी दिखाऊंगी, तो आप लोग ऐसे देखते रहिए कैसे बना रहे हैं हम। अभी मैं दूसरे तरीके से बना के दिखा रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा तरीका है। इसको भी जैसे हम रोटी का लोई बनाते हैं उस तरीके से करना है, और उसके अंदर बीच में स्टफिंग को डाल देना है, और ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ के, ये भी बहुत ईजी है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी आराम से बना सकते हैं। ऐसे करके हम सब सूजी का पीठा को बना लेंगे। अभी हम कढ़ाई ले लिए हैं, और इसको हम पहले से ही तेल को अच्छा खासा गरम कर लिए हैं। अभी हम इसमें सूजी का काकरा को डाल देंगे, और हम एक साथ 4 ठो डाल रहे हैं, और आप एक साथ 4 ठो ना डालें, 2-2 डालें, क्योंकि हम लोगों को जल्दी बनाने का है, इसीलिए हम 4-4 ठो को एक साथ फ्राई कर रहे हैं। और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर का थोड़ा कच्चा जैसा रह जाता है। तो इसको आराम आराम से ऐसे पलट देंगे। देखिए ये बन के रेडी हो गया, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ऐसे करके हम सारा काकरा पीठा को बना लेंगे। देखिए अभी हमारा सब सूजी का काकरा पीठा बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़्यादातर हमारे घर में कोई त्यौहार या कोई फंक्शन रहता है तो इसको हम जैसे भी बनाते हैं, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।